वेलकम अमर सर के क्लास में आप सबों का स्वागत है। अप्रॉक्सिमेट वैल्यूज का ये वीडियो है एसबीआई क्लर्क मेन एग्जाम के लिए और आईबीपीएस आरआरबी पीओ के लिए। ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रॉक्सिमेशन में एक अलग ही अप्रोच होता है, आप लगातार सॉल्व करते चले आ रहे हैं समझ में आएगा, लेकिन न्यू स्टूडेंट्स को भी समझ में आएगा। इसमें प्रायर नन ऑफ दीज नहीं होता, जो ऑप्शंस होते हैं उन्हीं में से किसके नजदीक आपका आंसर है वो उस क्वेश्चन का आंसर है। तो देखना होता है कि हाउ मच अप्रोक्सीमेशन करना भी है, क्योंकि हमें जल्दी से सॉल्व करना है तो नंबर को थोड़ा सीधा लेना है। इतना सीधा ना करें कि आंसर ही गलत हो जाए। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें बहुत कुछ सीखेंगे देखेंगे। 35% ऑफ दिस प्लस ये तो 13.997 जो है वो 14% है ऑफ 160 प्लस 24.98 को तो बोलेंगे 25%, लेकिन इसको 2000 नहीं बोलेंगे, 2002 बोलेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग बोलेंगे 35% ऑफ, लेकिन सवाल है क्यूब रूट क्या होगा। तो क्यूब रूट ऑफ 2201, तो ये किस नंबर का क्यूब है? तो 1 का क्यूब करने से 1 होता है और 2 का क्यूब करने से 8 होता है। इन 3 प्लेसेस को छोड़ के बात कीजिए इसके बारे में, तो आप देखेंगे कि 2201 जो है यहां रखते हैं कहीं भी रखें, अगर ये ऐसा होता तो क्या ये ऐसा ना होता, अगर ये ऐसा होता तो क्या ये ऐसा ना होता। इसीलिए हमारा जो आंसर है वो 10 और 20 के बीच में है। आप जरा देखिए ये 1 और 2 के बीच में कितने का अंतर है, या हम लोग ऐसा बात कर लें कि 80 और 10 में कितने का अंतर है, 80 और 22 में कितने का अंतर है, 58 का, और यहां 10 और 22 में 12 का। तो अगर हम इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करें, हालांकि प्रोपोर्शनल नहीं होते हैं, धीरे धीरे वैल्यू बढ़ता है तो उसके लिए ये 1 का मतलब ज्यादा वैल्यू होता है, यहां 1 का मतलब कम वैल्यू होता है, फिर भी चलेगा, अप्रोक्सीमेशन है। आप देखिए कितने का गैप है, करीब 70 का गैप है, 7 माने 1 तो ये क्या हुआ, लगभग 12 के आसपास माने या 13 के आसपास माने, चाहे 12 माने या 13 माने, इसमें से कुछ भी ले लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये समझ रहे हो, ये 12 है और ये है, तो 12 13 में कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए 13 ले लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने 13 ले लिया। इसके बाद ये है 14% ऑफ 160 और प्लस 25% ऑफ 2002, ऐसा समझते हैं। अब देखिए 35% लेना है तो क्या लेना है, 10% देखिए क्या है 1.3, तो 30% कितना होगा, करीब 4, और 5% कितना होगा, मतलब 4.5 बोल सकते हैं आप अप्रॉक्स। और ये 14% लेना है 160 का, 14% ऑफ 160 आप ऐसे भी कर सकते हैं, 14 into 16 ऐसे कर लीजिए, पहले 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल है ना ऐसे, तो 14 into 16, 15 plus 1 15 minus 1, 15 square minus 1, 225 minus 1, 224 और 1 प्लस के बाद डेसिमल, 1% इतना होगा ना, मतलब ये तो एग्जैक्टली हुआ, हमें तो अप्रोक्सीमेशन करना था। हम ऐसे भी बोल सकते थे कि 10% 16 और 4% ले रहा है 6.4, तो 16 और 6.4 22.4, ऐसे ही बोल सकते थे, प्लस 25% ऑफ 2000 बोलिए 500, और 2 का क्या होगा 0.5, छोड़ने का मन नहीं है, हो रहा है तो कैसे छोड़ दें। अब देखिए 0.5 और 4.5 5 होगा ना, 5 और 22 कितना होगा 27 होगा ना, यानी 527.4
और इसके आसपास कौन है 528 nearly equal to 528 यानी कि D is answer बोलिए समझ में आया D is the answer second number question ये तो सब का सब एक क्यूब रूट का मामला है बहुत सुंदर है और आपको इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा यह है क्यूब रूट ऑफ 17599 माइनस क्यूब रूट ऑफ 39309 माइनस स्क्वायर फोर्थ रूट ऑफ 20734 इज इक्वल टू व्हाट सबसे पहले देखिए बात करता हूं कि 17599 है ना और इसी तरह से दूसरा वाला भी 39309 आप जरा गौर कीजिए थ्री प्लेसेस को छोड़ दीजिए और इनको देखिए थ्री को छोड़ करके किन क्यूब्स के बीच में 175 है तो आप देखिए 5 का क्यूब क्या होता है 125 और 6 का क्यूब क्या होता है 216 कहने का मतलब 50 क्यूब हो तो ऐसा होगा ना और 60 क्यूब हो तो ऐसा होगा ना तो 50 60 के बीच में है कहां बीच में है यहां देखिए 50 का गैप है और यहां पर देखिए कितने का गैप है वही 41 करीब करीब बराबर ही तो क्या है हाफ से थोड़ा ऊपर यानी हम 56 ले लेते हैं थोड़ा सा ऊपर यानी ये वैल्यू 56 है बोलेंगे नजर आएगा यहां से 56 दूसरा वाला क्या है यहां भी 3 छोड़ दीजिए तो 3 का क्यूब क्या होता है 27 और 4 का क्यूब क्या होता है 64 गौर कीजिए अगर ये 40 का क्यूब होता तो ऐसा होता 30 का क्यूब होता तो ऐसा होता हमें इसको देखना है आप थोड़ा देखिए कितने का गैप है ये वाला 12 का और ये 40 बोलिए तो कितना होगा करीब 25 का गैप है आप देखिए क्या है थोड़ा इधर ही है ना मतलब आप क्या बोल सकते हैं 32 या 33 ऐसे ही कुछ बोल सकते हैं 1/3 दोनों में से कुछ भी लीजिएगा चलेगा मान लीजिए हम लोग 32 ही लिए या 33 लिए कोई फर्क नहीं पड़ता 32 लिया ठीक है दिस और दिस कोई भी लीजिएगा आंसर अफेक्टेड नहीं होगा और ये क्या है डबल स्क्वायर रूट आप मुझे बताइए 207 34 टू प्लेसेस छोड़ दीजिए इसको हम क्या बोलेंगे 14 का स्क्वायर 196 और 15 का स्क्वायर 225 तो दरअसल ऐसा ही होगा ना और इसके बीच में आप कहीं भी जाइए तो ये कितने का गैप है देखिए 11 का गैप है मतलब थोड़ा नीचे लिखते हैं 196 है ना तो ये कितने का गैप है करीब 11 का और ये कितने का गैप है 18 का यानी आप 143 ले सकते हैं या 144 ले सकते हैं और उसका फिर एक बार स्क्वायर रूट वन कुछ भी ले लीजिए 143 या 144 तो इसका वैल्यू क्या होगा ये वाला लेस कर दें ये क्यों लेस करें एक ही बार करेंगे ना रुकिए इसका वैल्यू पहले लिख देते हैं ना और ये क्या होगा 12 चाहे दोनों में से कुछ भी ले लीजिए तो ये कितना हुआ 44 अगर आप 56 में 44 लेस करेंगे तो ये क्या आएगा दोनों आएगा 12 के पास कौन है तो 12 के पास 10 है ये भी आपके दिमाग में है कि हम अगर 33 लेते यहां पर 33 लेते तो ये और एक घटता तो 11 होता मतलब 12 या 12 से कम पर आप आसानी से बोल सकते हैं 12 से कम यानी 10 आंसर B is answer यानी कि nearly equal to 10 जल्दी बोलिए चीजें समझ में आई ऐसे ये कैलकुलेशन का पार्ट है ठीक है इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन
थर्ड नंबर क्वेश्चन में गौर कीजिए कि ये तो 28 स्क्वायर है, तो हमारे मन में ये होता है कि हम ऐसा क्यों न समझें। दूसरा वाला तो इंटू 5 है और डिवाइडेड बाय 7 है, ये तो हम काटेंगे, ये तो पक्का काटेंगे, ये तो है। और प्लस 7 क्यूब को क्या बोलेंगे, 343, इसमें भी कोई शक नहीं। प्लस 46 है इज इक्वल टू व्हाट है, व्हाट माइनस 229 है, जो उधर जाके ऐड होगा, ऐड होगा, इसका वैल्यू 2 इसे दे दीजिए 10, तो ये क्या होगा 28 तुरा 56, ये 560 है। जब इस तरह से आता है, लिखते नहीं है सब, ये तो समझाना है इसलिए मैं लिख रहा हूं, ये सब लिखना नहीं है। 560 और 340 अगर ऐड कर दीजिए तो 900 होगा कि नहीं, 900 होगा कि नहीं, 1100 होगा कि नहीं, 1100 होगा कि नहीं, 30, 40, 75 होगा कि नहीं, 1175 लिखेंगे कि नहीं, 1175 के पास कौन है। देखिए देखिए 560 है, इसने 340 हम लोग दे दिए, पहले 40 दे दिए तो 6 और 3 900 हो गया, 900 के बाद यहां पर 46 लिखा हुआ है, देखिए 229 है, तो ये कितना होगा 75 78, बोलिए ना बोलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, 78 बोलिए 75 बोलिए एक ही बात है, विच इज नियरली इक्वल टू 1175 बोलिए, 1170 बोलिए, 1180 बोलिए, अब देखिए उसके पास आसपास कोई नहीं है, यानी 1180 है, यानी कि सी आंसर, ठीक है ठीक है। इसके बाद आइए आगे, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, 24.91 माने 25%, करीब करीब देखिए 24.91 को क्या बोलेंगे, 25% 1/4 5552, मतलब क्वेश्चन ऐसा हो जा रहा है कि 25% ऑफ 552 प्लस ये 19.76% है ऑफ 860 है, ये तो ठीक है, माइनस 66.62%, इसे 2/3 बोलेंगे ना, इसको 2/3 बोलिए ना, क्या जरूरत है, इसको हटाइए, इसको बोलिए 2/3 ऑफ 2/3 ऑफ 390 बोलिए ना, इज इक्वल टू व्हाट, मतलब ये दिखता है, लिखने की जरूरत नहीं है, वहीं पर आपको समझ में आता है। मैंने लिखा कि न्यू स्टूडेंट भी होंगे तो उनको समझ में आना चाहिए, कैलकुलेशन कैसे करेंगे पता, 25% 500 का 125 होता है और 52 का 13 होता है, तो लिख दिया ये 20% अगर हम लेने जाएं तो कितना होगा 172, आगे जो होगा 172, लेकिन थोड़ा सा है 1% का 1/4 2 इसमें लेस करना पड़ेगा, देखिए 20% नहीं है, 1% का 1/4 1% का 1/4 करीब करीब 2 लेस करना पड़ेगा, देखिए तो 2 को हटा देते हैं यहां से, हटा देते हैं, माइनस 2/3 लेना है, 1/3 क्या होगा 130, तो 260। अब देखिए ये प्लस है माइनस है, ये वाला क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है 170, तो आपको क्या दिखेगा 260 हटा दें, कैसे हटा दें, 100 270 को 10 लिखते हैं, 260 हो गया, क्या बचा देखिए 20 30 48 equal to 48 किसके नजदीक है, तो सचमुच में 48 है, डी इज आंसर, बोलिए समझ में आ रहा है। इसके बाद इसका जो फिफ्थ क्वेश्चन है लास्ट, उसको देखते हैं, लास्ट देखिए फिफ्थ नंबर, सीधा करते ही चलते हैं, एक बात है लेकिन ये 88.94 है, देखिए
88.94 है, परसेंट नहीं है, इनटू 93 है, ये तो ठीक है। प्लस उसको तुम लोग डिवाइड कर देंगे, ये 72 डिवाइडेड बाय 3 मानेंगे, ठीक है, वो सीधा है। लेकिन प्लस 121 देखिए इनटू 55 है, ये माइनस माइनस 250 है इनटू 27 है, उसको भी इधर ले आते हैं, प्लस 780 है इज इक्वल टू व्हाट, ये क्वेश्चन थोड़ा गौर कीजिए, ये 88.94 है, हम लोग इसको अगर हम 89 मान के बात करें, देखिए अगर हम लोग इसको 89 मान के बात करें इनटू 93, तो बेस मेथड आपको याद आ रहा होगा, माइनस 7 करेंगे तो 8200 और माइनस 7 इनटू माइनस 11 77 एकदम एग्जैक्टली हमें आता है, इसके जगह पर ऐसा लिखेंगे, बोले लिखेंगे 72 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा 24, ये तो ठीक है। और दूसरा वाला कई तरीके से कर सकते हैं, एक तरीका तो ये है 55 को 11 से किया, फिर 11 से किया तो 5 हुआ, 0 हुआ, 6 हुआ, 5 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 6 हुआ, नहीं समझे, 55 को 11 से किया, जो आया उसको फिर 11 से किया, ये तो हमें करना आता है, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है कि चलिए 120 इंटू 55 करते हैं प्लस 55 कर, ये 60 इंटू 110 करते हैं प्लस 55 करते हैं, देखिए 6655 होता है, ये दूसरा तरीका है। तो आप यहां पर कुछ कुछ भी लिख सकते हैं किसी भी तरीके से 66 and 155, और इसको मल्टीप्लाई करना है तो ऐसा कीजिए 25 इंटू 27 करते हैं 26 स्क्वायर माइनस 1 676 माइनस 1 675 प्लस 675 एग्जैक्टली हमें आता है, तो क्या करें प्लस 780 इक्वल टू व्हाट, ये पूछा है। फिफ्थ नंबर में जरा गौर कीजिए, ये वाला माइनस था, ये लास्ट वाला जो है 250, ये वाला माइनस था, ये वाला माइनस था, मतलब ये वाला, ये माइनस है, एक ही माइनस है, बाकी कोई नहीं है। लेकिन जब ऐसा आया तो मन करता है 6000 काट दे, मन करता है 50 काट दे, मन करता है 700 काट दे, सब तो कट गया, 605 बचा हुआ है, जल्दी बोलिए हमें ऐड करना है। जरा देखिए, जरा देखिए 77 और 24 इसे लगभग 100 बोलेंगे तो 8300 हुआ, ये वाला पोर्शन क्या हुआ 8300, इसको 8300 बोलेंगे कि नहीं, और इधर 685 बोलेंगे कि नहीं, 685 बोलेंगे कि नहीं, दोनों को ऐड कर दीजिए तो 8985 बोलेंगे कि नहीं, 8900 में और कोई नहीं है सिवाय इसके, सो ए इज आंसर, ठीक है। देखिए मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सेशन को आपने एंजॉय किया होगा, ऑल द बेस्ट। बैंकिंग एग्जाम एक अलग ही तरह का ऑब्जेक्टिव अप्रोच खोजता है, दरअसल कम समय में आपको क्वेश्चन बनाने होते हैं, कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है, ऑब्जेक्टिव वे से उसका एप्लीकेशन आपको आता है तो विद इन गिवन टाइम आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। मेरे हजारों की संख्या में जो स्टूडेंट सक्सेसफुल रहे हैं उन्होंने इसको एंजॉय किया है, उस ऑब्जेक्टिव अप्रोच को अपनाया है जिसने उनको वहां तक पहुंचाया। दरअसल वीडियोज के रूप में जो कॉन्सेप्ट है वो सामने है और उसमें लगातार आपको क्वेश्चंस की जरूरत पड़ती है जिनको सॉल्व भी होना चाहिए और प्रैक्टिस सेशन भी होना चाहिए, amarsir.in पर यही फैसिलिटी अवेलेबल है, वीडियोस, कंसेप्चुअल प्रैक्टिस
और इसके साथ साथ पीडीएफ शॉर्ट प्रैक्टिस और उसमें लगातार परिवर्तन यानी पढ़ाने का एक नया तरीका। आइए amarsir.in पर आप सबों का स्वागत है और इस नए सिस्टम का आप लाभ उठाएं। न्यू वे ऑफ लर्निंग ऑन amarsir.in।